नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन टॉर्क वेक्टर एंड एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर। देखो हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल लेवल इंपॉर्टेंट मार्क कर लें प्लीज, इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल। ये स्कूल की डेरिवेशन दिसंबर के अंदर आने वाला है, दो टॉपिक्स करवाऊंगा, फॉर बड़ा बड़ा लिख लेना फॉर स्कूल लेवल प्लीज, ये डेरिवेशन स्कूल लेवल के लिए। आप ऐसा नहीं कर सकते पेपर के अंदर कि सर ने कहा था कि एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, जैसे एफ की जगह टॉर्क होता है ऐसे ही पी की जगह एल होता है तो हो गया प्रूफ, तो ये तो जीरो नंबर लेके आएगा। तो आपको ऐसे ही करना है, टॉर्क इज डी एल बाई डी टी का प्रूफ है क्या कि टॉर्क होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बिल्कुल न्यूटन के सेकेंड लॉ की तरह। तो आपने क्या करना है, एल वेक्टर क्या होता है, आर क्रॉस पी, तुम इस एल वेक्टर की जगह क्या पुट करो, आर क्रॉस पी। तो क्या आ गया, या एक काम करो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो, डी बाई डी टी डी बाई डी टी, एल वेक्टर को डिफ्रेंशिएट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, डी एल बाई डी टी। अभी ध्यान से करना, यू इंटू वी का फॉर्मूला है प्लीज, यू इंटू वी में एक बार यू कॉन्स्टेंट एक बार वी कॉन्स्टेंट, तो एक बार डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट टर्म की, क्रॉस को मत छोड़ देना कि चलो फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है, क्रॉस पी वेक्टर, और एक बार आर क्रॉस बाहर आएगा, क्रॉस के साथ आएगा और डिफ्रेंशिएशन ऑफ पी वेक्टर। तो ये टर्म आ गई आपके पास, डी आर बाई डी टी क्या होता है, वी वेक्टर, और डी बी बाई डी टी क्या होता है, एफ वेक्टर, क्या हुआ हमने। अब पी वेक्टर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, वेलोसिटी वेक्टर अंदर रह गया। एक वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो, और आर क्रॉस एफ क्या होता है, टॉर्क वेक्टर, हो गया प्रूव, टॉर्क वेक्टर इज आर क्रॉस एफ। आप प्लीज अपना पेज कॉपी में खाली छोड़ दें, घर जाके इसको आपने नोट करना है, और नोट करके इसको इसमें जो है कॉपी में जरूर नोट करें।